Hello everyone. Now I am once again here for you. This is in my last video, as I have told you about the noun and its parts. How many parts are there? Three, we said five parts. Today I am going to discuss with you about its parts. Kinds of noun. On your screen you can see that I have mentioned here the first kind of a noun, which is proper noun. What is proper noun? Proper noun is the specific name of a person, place or thing. यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है. प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का स्पेसिफिक नेम है. मींस उसकी जगह पे हम किसी और नाम से उसको नहीं बुला सकते, उसको हमने स्पेशल नेम दिया हुआ है. इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस हेडिंग इज द प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हम जहाँ कहीं भी यूज करेंगे उसको हमेशा हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है. आइदर इट इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. वट इट सो वट यू हैव लर्न हेयर दैट प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम. स्पेशल नेम विच आई हैव हाईलाइटेड हेयर, स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. गो थ्रू द एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज माइकल रन्स फास्ट. Okay, Michael runs fast. I have mentioned here a name, Michael, special name of a boy, Michael here. क्या मैं यहाँ पर माइकल की जगह किसी को कॉल करूँ तो क्या माइकल आएगा? नो. जब तक मैं उसका स्पेसिफिक नेम लेकर उसको कॉल नहीं करूँगी, दे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हुम आई हैव कॉलिंग. ठीक है. इन द सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी the dog name, my dog name is Tommy. तो which name I have given? Dog is कोई सा भी dog हो सकता है भाई. मैंने उसको special name दिया हुआ है Tommy. Means now you identify that particular dog whose name is Tommy. In the third example you can see that I have written Taj Mahal is a beautiful building. Which name of the this building I have given? Taj Mahal. ठीक है. जब हम कहते हैं there is a building, you कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. बट इफ आई हैव गिवन इट्स अ स्पेशल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग? इज ताजमहल. मींस हियर ताजमहल इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ बिल्डिंग. इन द लास्ट सेंटेंस यू कैन सी रवि वेंट टू आगरा. रवि इज अ बॉय हियर. आई हैव गिवन हिम अ स्पेशल नेम एंड आगरा इज अ प्लेस. आई हैव सेड दैट रवि वेंट टू आगरा. रवि आगरा गया. ठीक है. तो क्या मैं यहाँ पर आगरा की जगह किसी और वर्ड को कह सकती हूँ? आगरा उसका स्पेशल नेम है. आगरा गया मींस आगरा जिस जगह का नाम है उसको वहीं जाना है. रवि, रवि की जगह पे क्या हम कोई दूसरे बॉय को इमेजिन कर सकते हैं? नो. कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कोई स्पेशल नेम देते हैं, व्हेन वी हैव गिवन एनी स्पेशल नेम टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. गॉट इट? Now, the second part, second kind of the noun is common noun, which you are seeing here. Common noun. What is common noun? A common noun is a word used for a class of a person, place or thing. Students, you can see that I have highlighted here class. What is the meaning of this class? Class means hota hai category or type. एक ही तरह के लोगों के, किसी लोगों के को या फिर जगह को या किसी वस्तु को हम जो एक ही जैसी लगे, ठीक है, उसको क्लास बोलते हैं. मींस कैटेगरी और या फिर काइंड कह सकते हो आप. जो वर्ड एक ही तरीके के लोगों के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन दे स्टार्ट अ सेंटेंस. कॉमन नाउन जो है वो कब कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है? जब वो कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तब हम इसको कैपिटल में लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते. जबकि प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा था हमने कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. वो कहीं भी आए सेंटेंस में, जैसे आपने देखा यहाँ बिगिनिंग में था, यहाँ एंड में था, यहाँ बिगिनिंग में या एंड, स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों में था, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं. लेकिन कॉमन नाउन तब तक कैपिटल में नहीं लिखा जाता जब तक कि सेंटेंस उससे स्टार्ट ना. नाउ कम टू द एग्जाम्पल.
आई हैव रिटन हियर आई सॉ अ कार, ठीक है, यहाँ पे कार लिखा हुआ है मैंने. व्हाट इज कार? कार क्या है? इट्स अ क्लास, इट इज अ कैटेगरी और काइंड. किसी कोई भी कार हो सकती है यहाँ पे. क्या मैंने इसको कोई स्पेशल नेम दिया है? नो, कोई सी भी कार, छोटी बड़ी, ऑल्टो, वैगनार, वट एवर, कोई भी नेम. जब तक हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है इसका स्पेशल नेम, इट इज़ अ कॉमन कार. कोई सी भी कार हो सकती है, ठीक है. तो कार इज हेयर कॉमन नाउन. मैन इज अ ग्रेट क्रिएशन. व्हाट इज अ मैन हेयर? मैन क्या? मैंने सारे लोगों की बात कर ली, चाहे उसमें विमेन हो, मैन हो, विमेन हो, ओल्ड मैन हो, यंग मैन हो, वट एवर, ऑल द मैन. इज अ ग्रेट क्रिएशन, जो इंसान है वो बहुत ही बेहतरीन क्रिएशन है गॉड की, ठीक है. तो यहाँ पर जो मैन है वो क्या है? कॉमन है, क्योंकि हम मैंने सारे ही मैन के लिए क्या यूज, क्या वर्ड यूज़ कर लिया? सारे इंसानों के लिए हमने एक ही वर्ड यूज़ कर लिया. क्या? पूरे क्लास के लिए, जितने भी पर्सन हैं उनके लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, मैन. सो मैन इज अ कॉमन नाउन. इन द थर्ड सेंटेंस, दिस इज माई बुक. माई बुक हेयर, बुक इज अ थिंग, मीन्स अ नाउन. विच नाउन? कॉमन नाउन. क्योंकि कोई सी बुक होती, आई हैव नॉट मैंशनड हेयर विच बुक, इंग्लिश बुक, ग्रामर बुक, और कोई भी नेम आप ले सकते हो, जो भी आपकी जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कुछ के नेम होते हैं, स्पेसिफिक नेम दिए होते हैं, ठीक है. गुलीवर ट्रैवल्स, शेक्सपियर, टेम्पेस्ट, वट एवर. सम बुक्स आर स्पेसिफिक, हैज स्पेसिफिक नेम, बट आई हैव नॉट मैंशनड हेयर नेम, ओनली आई हैव मैंशनड बुक. मीन्स बुक फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन. एट द एंड यू कैन सी ही लिव्स इन विलेज. आई हैव मैंशनड हेयर अ प्लेस नेम, विलेज, कोई सा भी विलेज. नाउ यू कैन, कैन यू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस विलेज? नो, मैंने यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया ही लिव्स इन अ विलेज. किसी भी विलेज में हो सकता है वो, यहाँ पर उसका नेम नहीं है, क्योंकि सारे विलेज को हम क्या नेम, जितने भी गांव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विलेज, ठीक है. हमने एक नेम, कॉमन नेम दिया हुआ है कि सारे गांव को हमें क्या बोलना है भाई? विलेज बोलना है. जब हम उसको स्पेशल नेम दे देंगे, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ही लिव्स इन रामपुर या ही लिव्स इन विलासपुर विलेज, तो वो फिर वो कौन सा विलेज हो जाएगा? विलासपुर विलेज, ठीक है. वहाँ पे मैंने उसको नेम दे दिया, यहाँ मैंने जब तक उसको नेम नहीं दिया, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन. स्टूडेंट, गो थ्रू द थर्ड काइंड ऑफ द नाउन, विच इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आप नेम से ही देख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन टेल्स अस अबाउट अ ग्रुप. ये हमें किसके बारे में बताता है? एक ग्रुप के बारे में बताता है. हमेशा हमें इस नाउन से क्या पता चलेगा? किसी ना किसी ग्रुप का नेम. दे फॉर्म्ड अ टीम. टीम में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. टीम में कौन होते हैं? ग्रुप होता है, है ना. हम कहते हैं वी क्रिएट अ, आई एम गोइंग टू प्ले इन दिस टीम, इन दैट टीम, मीन्स द टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये, इसने ग्रुप के बारे में बताया, तो क्या हो गया ये? कलेक्टिव नाउन. द ऑडियंस, ऑडियंस में क्या होता है? मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, कोई भी हो सकता है ऑडियंस में जो सुन रहे होते हैं. तो द ऑडियंस वॉज हैप्पी, ठीक है. तो ये भी क्या हो गया? ग्रुप हो गया, सुनने वालों का. जो भी ऑडियंस वहाँ प्रोग्राम देखने आई थी, वो कम्प्लीटली, उसको हमने एक नाम दे दिया. कि हमने नहीं कहा कि सारे आदमी खुश थे, सारे औरतें खुश थी, या बच्चे खुश थे. हमने उनको कम्प्लीटली एक कलेक्टिव नाउन उसको दे दिया. क्या? ऑडियंस. तो ऑडियंस वॉज हैप्पी, मीन्स ऑडियंस यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन. शीप मूव इन फोक. वट इज़ द मीनिंग ऑफ फोक? फोक इज अ ग्रुप ऑफ शीप. पूरा जब सारी शीप एक ग्रुप में चलती हैं, तो हम ये नहीं बोलते वन शीप, टू शीप, थ्री शीप. हम क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप को हमने एक नेम दिया हुआ है, फ्लॉक. शीप मूव्स इन फ्लॉक. जो भेड़ होती है वो हमेशा किस में चलती है? अपने ग्रुप में चलती है. गॉट इट? तो स्टूडेंट, हेयर यू हैव लर्न अबाउट द थ्री काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. वट इज द स्पेशल इन द थ्री? Proper noun is the specific name of any person, place or thing. Common noun is the name of any class. And collective noun is tells us about a group. So you have to remember these three main points: specific name, proper noun, class, common noun, and group collective noun is tells us about group. So student, I hope you got it very well. In the next video, I will tell you about the rest of two kinds, which are abstract noun and material noun. So thank you. Have a nice day.